हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, बेटा जैसे कि आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे जिसमें मैंने आपको दो इंस्ट्रूमेंट समझा दिए थे, बाकी के चार इंस्ट्रूमेंट आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। बैंक रेट मैंने समझा दिया था कि क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझा दिया था, और मैंने ये भी समझाया था कि ये दोनों चीज़ें पैसे की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती हैं एक कंट्री में। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात कर रही हूँ आज रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट का मीनिंग होता है शॉर्ट लोन, शॉर्ट टाइम के लोन जो सेंट्रल बैंक ऑफर करती है कमर्शियल बैंक्स को, जो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है वो रेपो रेट होता है। देखो द रेट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच जिसके ऊपर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करती है शॉर्ट पीरियड। देखो शॉर्ट पीरियड ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, शॉर्ट पीरियड यानी कि कम समय के लोन किसको, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, और वैसे ही लोन नहीं देती, वो देती है बाय द बाइंग यानी कि खरीद कर, टू द बाय द बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में पहले गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदती है, ठीक है, उनको खरीदने के बाद वो कुछ टाइम के लिए कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उधार दे देती है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को वो ओपन मार्केट से खरीदी हुई सिक्योरिटीज लोन के ऊपर देगी तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। समझ में आई बात? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट, या फिर इसको बोलते हैं रीपरचेज रेट। रीपरचेज यानी कि किसी चीज को दोबारा खरीद के उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना, ठीक है, उसको बोलते हैं। अभी देखो, अब रीपरचेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ पार्टी। जो रीपरचेज का एग्रीमेंट है कि मैंने ओपन मार्केट में से जो सिक्योरिटीज खरीदी हैं उसके ऊपर दोनों के साइन होंगे, बेचने वाले की और खरीदने वाले के भी। ठीक है, और रीपरचेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटीज विल बी रीपरचेज्ड बाय द कमर्शियल बैंक। फिर इन सिक्योरिटीज को आगे कौन खरीदता है, कमर्शियल बैंक खरीदती है एट अ गिवन डाटा एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, इन अदर वर्ड द आरबीआई इश्यूज अ लोन चेक टू द कमर्शियल बैंक बाय बेइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेच कर खरीद कर कमर्शियल बैंक मतलब जो सेंट्रल बैंक पैसा हासिल करती है या जो भी सर्टिफिकेट हासिल करती है, सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हासिल करती है, वो उनके ऊपर जो कैश आता है वो चेक के थ्रू सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। सिक्योरिटीज का मैंने पूरा मीनिंग आपको समझाना है भाई, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। मुझे ऐसा है कि जो चैप्टर के बीच भी आपको समझाया ना जाए, इसलिए मैं चैप्टर के बीच में इसको कंसेप्ट को नहीं उठा रही। अब देखो बेटा, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग है भाई, आरबीआई ने जमा डिपॉजिट जो किया कमर्शियल बैंक ने उसको एक्सेप्ट करती है, द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, इसको रिवर्स रीपरचेज रेट भी बोला जाता है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है करने वाले, तो मैं इनको वैसे ज़्यादा करवाने नहीं वाले थे, लेकिन मैंने सारा लिखा है जो आपको नोट्स में लिखना ज़रूरी है। और देखो, इन दिस केस, इस केस में और रिवर्स रीपरचेज्ड एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज। अब जब कमर्शियल बैंक ने लोन लिया तो कमर्शियल बैंक उस लोन को वापस भी करेगी, तो वापस जब करेगी तो भी एक साइन होंगे एग्रीमेंट के ऊपर दोनों पार्टीज के। ठीक है, स्टेटिंग दैट, ये किस चीज के लिए किया जाएगा कि सिक्योरिटीज रीपरचेज कर ली गई हैं उसी प्राइस के ऊपर जिस प्राइस के ऊपर बेची गई थी। रिवर्स रेपो रेट अलाउज अ कमर्शियल बैंक टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। ये देखो, कमर्शियल बैंक के लिए ये जरूरी है इनकम को जनरेट करने के लिए। जब रिवर्स रेपो रेट कम होता है तो बैंक्स डिस्करेज होती हैं मनी फंड में से अपनी सप्लाई को रीजनरेट करने में। ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। और देखो बेटा, तीसरा आ जाओ, फिफ्थ आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, कैश रिजर्व रेशियो। ये तो अगर आपको रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट आता है तो रिवर्स रेपो रेट का उल्टा ही है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बहुत इजी है। ये आ जाओ भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, सबसे पहले आपने जरूरी समझना है कि कैश रिजर्व रेशियो होती क्या है, ठीक है, और आपने दोनों में फर्क समझना है, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग क्या है। देखो, कैश रिजर्व रेशियो के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग ये है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें अपनी जो जमा है, उनके पास जितना भी पैसा है उसका एक हिस्सा, उसका एक हिस्सा सेंट्रल बैंक को देना जरूरी है।
उसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, यानी कि एक कमर्शियल बैंक ने अपनी जमा का, जो भी उसके पास पैसा है, उसका एक हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना होता है। ये सेंट्रल बैंक बताएगी कि मुझे आपकी जमा का कितना पैसा चाहिए, समझ में आई बात। उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, उसी को बोला जाता है। ठीक है, और ये सिस्टम ना 1933 में शुरू किया गया था सेंट्रल बैंक के द्वारा। भी सेंट्रल बैंक चाहती थी कि हमारे पास भी इनकम हो और कमर्शियल बैंक के पास भी पैसा रहे। तो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज। ये देखो, मिनिमम परसेंटेज होती है ऑफ बैंक के डिपॉजिट की रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द RBI, जो RBI को देना पड़ता है बैंक को। ठीक है, इट इज प्राइज्ड बाय द RBI। ये देखो, ये RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है। ठीक है, एंड द वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसको चेंज भी किया जाता है टाइम टू टाइम, कि किसके अकॉर्डिंग, मनी की सप्लाई के अकॉर्डिंग। इकोनॉमी में अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा हुई तो CRR बढ़ा दी जाएगी। अगर CRR बढ़ाने का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक को अपनी जमा का ज़्यादा हिस्सा सेंट्रल बैंक को देना पड़ेगा। जब ज़्यादा ही पैसा सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो लोगों को कमर्शियल बैंक पैसा नहीं देगी। जब लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, तो अपने आप जो ज़्यादा पैसे की समस्या इकोनॉमी, वो कम हो जाएगी। इसी तरह सेंट्रल बैंक क्या करेगी, जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि पैसा इकोनॉमी में कम है, ज़्यादा होना चाहिए, तो CRR कम कर दी जाएगी। तो कमर्शियल बैंक, इसका मतलब उसका कम हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और कमर्शियल बैंक के हाथ में ज़्यादा पैसे रहेंगे। तो कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा ज़्यादा देगी, और लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो जो कम पैसे वाली समस्या है लोगों के पास, वो इकोनॉमी में सोल्व हो जाएगी। ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, तो अब ये देखो, ये होता है कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग, एंड इट्स वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और चेंज होता है टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए इन द इकोनॉमी। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू इंक्रीज्ड, जब मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो CRR कम कर दी जाती है। मैंने आपको पढ़ाई है ये चीज़, सारी की सारी पढ़ाई अभी मैंने बोला है। एंड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड, CRR इज रेस्ड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी, सारे का सारा लिंक का बताया। और देखो आगे है सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, SLR इसको बोला जाता है। अब ये क्या चीज़ है भाई, अब आपने दोनों में फर्क समझना है। SLR का मीनिंग है कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी जमा है, वो कमर्शियल बैंक के पास होना जरूरी है। मतलब क्या है भी, अब बोलेंगे कमर्शियल बैंक का पैसा कमर्शियल बैंक के पास ही होगा, नहीं भाई, कमर्शियल बैंक का सारा पैसा कमर्शियल बैंक के पास नहीं होता। कमर्शियल बैंक का पैसा दो हिस्सों में बंटता है, एक तो हिस्सा वो होता है जो सेंट्रल बैंक के पास जाता है, एक हिस्सा वो होता है जो कमर्शियल बैंक खुद रखती है। ठीक है, तो जो हिस्सा वो कमर्शियल बैंक खुद रखती है, उसको हम बोलते हैं SLR। ठीक है, बीस ये पॉइंट हमें ये बताता है कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी जमा लोगों ने किया है, उसका एक परसेंटेज अपने पास रखना जरूरी है, और ये कानूनी ज़रूरी है, ताकि जब लोग मांगने आए तो लोगों को पैसा देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास हो। ठीक है, तो ये 1948 में शुरू किया गया था इटली में, इटली में इसको शुरू किया गया था कानून को 1948 में। पहले 1947 में फ्रांस में, सॉरी 1947 में इटली में किया गया, 1948 में इसको फ्रांस में किया गया। इसके अकॉर्डिंग जो कमर्शियल बैंक है, उनके पास भी पैसा होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि लोग निकलवाने आए तो उनके पास पैसा ही ना हो। तो ये देखो, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स इवेंट एसेट्स, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। ये देखो, लोगों को देने के लिए बैंक के पास एक परसेंटेज होना चाहिए, कुछ पैसा होना चाहिए। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है पैसा, ये कैश की फॉर्म में हो सकता है, ये गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, ये इनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज का मतलब है कि ये पेपर मनी के टाइप होता है। ठीक है, जैसे चेक हो गए, बॉन्ड हो गए, या शेयर, कुछ भी हो सकता है। द रेट ऑफ SLR इज फिक्स्ड बाय द RBI। अब बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने कितना पैसा अपने पास रखना है, ये भी कमर्शियल बैंक खुद नहीं कर सकती, ये भी सेंट्रल बैंक बताएगी कि कमर्शियल बैंक ने कितना पैसा अपने पास रखना है। एंड इज वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी सेंट्रल बैंक इंटीरियर्स SLR। और ये देखो इंक्रीजेस, बेटा यहाँ पे इंक्रीजेस आएगा, तो सप्लाई ऑफ मनी, जब सेंट्रल सप्लाई ऑफ मनी के अकॉर्डिंग जो SLR है, वो कम और ज़्यादा कर दी जाती है बेटा। ठीक है, समझ में ही बात।
ओके, इसके साथ ही आज आपके फर्स्ट टाइप यानी कि जिसमें हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे थे ये सारे के सारे डन हो गए। अब आपके सिर्फ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पड़ गए हैं, इसके साथ ही आपका बैंकिंग चैप्टर डन हो जाएगा। वो बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर कर दूंगी। थैंक यू बेटा।